हेलो नमस्कार दोस्तों, आपने गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर का नाम कई बार सुना होगा, बट आपको इनका मतलब पता है क्या? हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर किसे कहते हैं? तो चलो आज हम इनके बारे में आपको बताते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिस्ट्री सीटर का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तब पुलिस उस व्यक्ति की रिपोर्ट एसपी को भेजती है। बाद में एसपी के आदेश से हिस्ट्री सीट की फाइल खुल जाती है। यह एक फाइल होती है जो थाने के अंदर मौजूद होती हैं। अब उस हिस्ट्री सीट में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो बार बार अपराध कर रहा है। फिर जो उसके अपराध का विवरण लिखकर कोर्ट में भेज दिया जाता है। कोर्ट में जज साहब उन सभी अपराधों को सबूतों के साथ मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद जज साहब अगर यह लगता है कि एक ही व्यक्ति ने इतने सारे अपराध बार बार किया है तो जज उसे हिस्ट्री सीट करार देते हैं। दूसरे शब्दों में अपराध पे अपराध जो बिना डरे बिना थके अपराध करता जा रहा है उसे हिस्ट्री सीट कहा जाता है। अब बारी आती है गैंगस्टर की। भारत में गिरोह यानी गैंग बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ भारत सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया था और उसे लागू किया था। गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक यह एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो गैंग बनाकर अपराध कर अनुचित लाभ अर्जित करता है तो वो गैंगस्टर कहा जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, सीधे शब्दों में कहे तो एक ही व्यक्ति एक लोगों को इकट्ठा कर मारता है या अपराध करता है तो उस व्यक्ति को गैंगस्टर कहा जाता है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में होते हैं जो लूट मार मचाते रहते हैं। इस तरह जो बार बार अपराध करते हैं उन्हें हिस्ट्री सीटर तथा ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं उन्हें गैंगस्टर कहा जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करके भेजें, जिससे अगले वीडियो में उसी पर बनाया जाएगा। धन्यवाद।